अभी अभी सिवान जिला के एमएच नगर थाना क्षेत्र के डीबी और मेरही के चौर में बिजली के तार गिर गईला से आग लागे के सूचना मिल रहल बा। जी हां, रुआ के बता दी कि तेज हवा में बिजली के तार गिर गईला से गेहूं के खेत में लगभग 20 बीघा गेहूं जौन बा उज्जल के राख हो गई हो। ग्रामीण के सहयोग से जैसे तैसे आग पर काबू पावल गई हो। दमकल विभाग के सूचना दिहल गेल ह, लेकिन 2 घंटा बाद एगो छुटकी दमकल पहुँचल ही है। काहे कि फिलहाल जौन स्थिति बटे कि जिला के हरेक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आग लगता और बड़का दमकल एकमात्र जिला में बिया जौना से परेशानी हो रहल बा। ये छोटी चुकी गाड़ी जौन बिया एकरा में 10 मिनट के भी पानी ना रहला, एकरे से आग बुझावे के कार्य कइल जा रहल बा। बहरहाल आग पर काबू पा लेहल गेल बा। ग्रामीण के कड़ा मशक्कत के बाद ए पर काबू पैल हन और अब जिला प्रशासन से, अंचलाधिकारी से, वीडियो साहब से निवेदन रही कि जौन भी किसान के क्षति भइल बा एकर क्षतिपूर्ति करावे के कोशिश जरूर कइल जाओ। लेकिन सवाल एगो गंभीर उठता कि जब चुनावी माहौल बा और जब हर साल गेहूं के सीजन में आग लगेला, तब प्रशासन इतना सुस्त काहे बिया? काहे दमकल के और व्यवस्था नहीं खे? काहे एक ही दमकल के गाड़ी से पूरा जिला के कवर कइल जा रहल बा? ई एगो बड़हन सवाल बा और एकर जवाब केहू के लगे नहीं खे।